अपने उम्मीदों का दामन थामे रखना, अपने हौसलों को कायम रखना, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल स्टेशन स्वर में। आज के वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत कुर्ती का कटिंग देखेंगे, जिसको फ्रंट स्लीव बनाएंगे और उसी में हम वी नेक कॉलर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका कटिंग देखते हैं, तो आइए शुरू करते हैं वी नेक कॉलर विथ फ्रंट स्लीव कुर्ती का कटिंग। इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, इसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए आज के वीडियो में हम फ्रंट स्लीव कुर्ती का कटिंग विथ वी नेक कॉलर देखेंगे। ये हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा है, जो मेजरमेंट मैं बताऊंगी उसमें 2.5 मीटर में आपका अच्छे से कुर्ती बन जाएगा। इससे अगर ज्यादा लेंथ चाहिए तो आप 3 या 3.5 मीटर कपड़ा ले लीजिएगा। आइए मेजरमेंट जान लेते हैं। तैयार लेंथ जो हम रखेंगे इस कुर्ती का 48 इंच रखेंगे। इसमें होल्ड का मार्जिन भी ऐड किया हुआ है। कुर्ती का तैयार लेंथ होगा 46 इंच। शोल्डर रखेंगे हम 15 इंच। चेस्ट जो तैयार होगा 42 इंच। वेस्ट का राउंड 36 इंच है। वेस्ट का लेंथ 15 इंच, हिप का लेंथ 22 इंच है और हिप का राउंड 42 इंच है। इस साइज में आर्म होल का लेंथ 7.5 पे रखेंगे और जो आर्म होल का राउंड होगा 17 इंच होगा। बाजू का लेंथ हम यहाँ पर 18 इंच रखेंगे। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कैसे कटिंग करेंगे ये जानते हैं। सबसे पहले हम बैक का कटिंग करेंगे। तो जितना आपका हिप का राउंड है उतना प्लस 2 इंच जो हम चाक फोल्ड करते हैं उसके लिए ऐड करते हुए कपड़ा निकाल लेंगे कि हमने कपड़ा निकाला हुआ है। हिप राउंड 42 इंच है तो यहां पर हम अभी बैक कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने फोल्ड में कपड़ा लिया हुआ है और 42 हिप राउंड है तो डबल में ये कपड़ा 10.5 प्लस 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे, ताकि कभी लूज करना पड़े तो हमारे पास पर्याप्त मार्जिन रहे। आप भी ऐसे ही कपड़ा लें, नाप के जितना चौथा भाग आता है, 10.5 है मेरे मेजरमेंट में चौथा भाग हिप राउंड का, तो 10.5 प्लस 2 इंच डबल में हमने यहाँ पर कपड़ा ले रखा है। लेंथ मैं यहाँ पर तैयार 46 इंच रखने वाली हूँ, तो हमने 2 इंच प्लस करते हुए 48 इंच पे कुर्ती का कटिंग मैं करने वाली हूँ। इसमें 1/2 इंच शोल्डर में सिलाई को जाएगा और 1.5 इंच हम नीचे फोल्ड के लिए रखेंगे। ये हिप लेंथ से नीचे बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती बनने वाली है, तो उसके हिसाब से हमने कपड़ा निकाला है। ये अभी बैक साइड काट रहे हैं और एक कॉलर वाला बनने वाला है, तो 1 से 1.25 इंच हम बैक साइड को, पहले भी बताया है मैंने कॉलर वाले में हम एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं बैक साइड को। ये पूरा लेंथ हमने ले लिया और जितना फोल्ड करना है उतना सबसे पहले आपको मार्क कर लेना है। कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो आप पहले ही उसको सीधा कर लें और कटिंग से पहले आयरन कर लें। फोल्ड ही सामने अपने सामने रखा है, कपड़े का सीधा भाग अंदर की तरफ है। सबसे पहले शोल्डर लगाएंगे। शोल्डर है 15 इंच, उसका 1/2 करेंगे और प्लस 1/2 इंच
सिलाई मार्जिन का रखेंगे तो ये 8 इंच पे हमारा शोल्डर रहेगा। कॉलर वाले में हम 1 इंच शोल्डर ड्रॉप करते हैं, उसका मार्क करेंगे, और जहां हमने शोल्डर ड्रॉप का 1 इंच मार्क किया है वहां से 7.5 पे हम अपना आर्म होल का लेंथ लगा लेते हैं और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। जहां आर्म होल का लेंथ आया है हम वहां अपना चेस्ट का राउंड लगाएंगे। चेस्ट का राउंड है यहाँ पर 42 इंच, तो उसका हम 1/4 यहाँ पर लेते हैं। जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ लूजिंग के साथ बता रही हूँ आपको, जहां चेस्ट का मेजरमेंट आया है वहां पर हम मार्क करेंगे और इस लाइन को आगे करेंगे। यहाँ पर हमने जो 2 इंच लिया है वो हमारा मार्जिन हो जाएगा। जहां हमने कमर का लेंथ लिया है वहां पर कमर का राउंड लगा लेते हैं। कमर का राउंड 36 इंच है तो चौथा भाग करेंगे, यहां भी हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। फिर शोल्डर के पास से ही अपने मेजर टेप को रखेंगे। 22 इंच हमारा हिप लेंथ है, उसमें हाफ इंच प्लस करते हुए यहां पर मार्क कर लेंगे 22 1/2। और यहां से नीचे हमारी कुर्ती बिल्कुल स्ट्रेट बनने वाली है। इन सभी लाइनों को मिला लेते हैं। जितना हमारा हिप का राउंड है उतना ही हम अपने नीचे घेरे का राउंड रखेंगे कुर्ती के, 10.5 पे मार्क करेंगे और ये 2 इंच हमारा फोल्ड का हो जाएगा। हिप के पास अब 10.5 पे मार्क करेंगे हिप राउंड का चौथा, और इस लाइन को पूरा नीचे घेरे तक स्ट्रेट मिला देंगे और इन सभी लाइनों को फिटिंग का लाइन फिटिंग से और मार्जिन का लाइन मार्जिन से इस तरीके से मिला देंगे। यहां पर हम नेक ब्रॉड रखेंगे 3.5। जो कॉलर में बनाने जा रही हूं उसके लिए अगर मैं इसमें नॉर्मल कटिंग करती नेक ब्रॉड तो मैं 2.75 कटिंग करती, लेकिन इसमें हमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है क्योंकि अलग से हम इसमें कॉलर लगाने वाले हैं पट्टी तैयार करके बुकरम की, तो इसके लिए मैंने 3.5 पे मार्क किया। और जो हमने शोल्डर ड्रॉप किया है उस लाइन से इस लाइन को इस तरीके से मिला देते हैं फ्रेंच कर्व की सहायता से। यहाँ जो दोनों लाइनें मिल रही हैं हिप लेंथ और चेस्ट का, वहां पर 1.5 इंच इस तरीके से कॉर्नर से आगे की तरफ बढ़ेंगे और फ्रेंच कर्व की सहायता से हम अपने बैक आर्म होल का गोलाई दे देंगे। ये हमारा बैक का मार्किंग पूरा हुआ, अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक का कटिंग हो गया, अब हम इसको हटा के फ्रंट का पीस बिछा लेते हैं। ये फ्रंट स्लिट है तो हम जो फ्रंट के साइड का सेंटर है ओपन रखना है हमने, और 1/2 इंच हमें मार्जिन चाहिए जब हम कॉलर वाली पट्टी को ज्वाइंट करेंगे। तो देख सकते हैं हमने 1/2 इंच अपने बैक साइड के कपड़े से एक्स्ट्रा यहां पर मार्क करते हुए कपड़ा निकाल ली हूं मैं। इसी पे बैक रखेंगे, फोल्ड हिस्सा जिधर हमें फ्रंट का नेक कटिंग करना है उधर रखेंगे, जो हमने 1/2 इंच मार्क किया है वहीं पर रखना है क्योंकि ये 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा रखी हूं मैं फ्रंट में उसको हमें पट्टी जोड़ के बैक के बराबर कर देना है। नीचे से हम अपने कुर्ती के हिस्से को मिला के रखेंगे घेरे वाले साइड से,
जो हमने बराबर से बिछा लिया। अब जैसा बैक हमने कटिंग किया है उसके हिसाब से हम मार्क कर लेंगे। और ये जहां पर हमने आर्म होल का लेंथ लिया है वहां पर इस तरीके से फिंगर रखेंगे और यहां पर हमें मार्क कर लेना है। इसी के बेस पे हमें अपने फ्रंट का आर्म होल का राउंड देना है। बाकी जैसा है बिल्कुल सेम तरीके से मार्किंग करेंगे। मार्किंग हो गया, अब हम इस पे कटिंग कर लेते हैं। और बैक को हटा लेते हैं। और ये जो हमने आर्म होल लेंथ का मार्किंग किया है उस लाइन को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे, यहां मिला देंगे 1 इंच। जैसे हमने बैक में शोल्डर ड्रॉप किया था, बैक के हिसाब से हम 1 इंच फ्रंट का शोल्डर डाउन करेंगे और यहां से अपने आर्म होल का लेंथ लेंगे 7.5 और इस तरीके से मिला के हम आर्म होल का राउंड देंगे। उसके लिए हमें यहां से 1 इंच अंदर की तरफ लेना है और इस लाइन को शोल्डर ड्रॉप जहां किया हमने वहां तक इस तरीके से मिला देना है और इसको फ्रेंच कर्व रखते हुए हमें अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल का इस तरीके से मार्किंग कर देना है। जो हमने 1/2 इंच जॉइंट के लिए एक्स्ट्रा रखा है फ्रंट स्लिप के लिए, वहां से 3 पॉइंट इस 1/2 इंच को छोड़ते हुए हमें यहाँ पर 3.5 पे मार्क करना है और इस लाइन को शोल्डर ड्रॉप जहाँ किया हमने 1 इंच वहां तक मिला देना है। अब हम इसका कटिंग कर लेते हैं। ये फ्रंट बैक कट चुका है, अब हम स्लीव का कटिंग करेंगे। स्लीव के कटिंग के लिए जितना हमारा आर्म होल का लेंथ होता है उससे 1.5 से 2 इंच कपड़ा चौड़ाई में हमें इस तरीके से एक्स्ट्रा में लेना होता है। तो हमने 7.5 कटिंग किया है, तो यहां पर 9 से 9.5 इंच हमें कपड़ा अपने स्लीव का चौड़ाई लेना होगा पूरा। यह थोड़ा डिजाइनर स्लीव बनाने वाली हूं तो इसमें अलग से हमें 4 इंच की पट्टी ज्वाइंट करनी है। यहां से 1.5 से 2 इंच हम शेप नहीं देंगे, बिल्कुल बराबर कटिंग करेंगे। 3.5 अपने आर्म होल के कर्व के लिए हम यहां पर डाउन करेंगे। यहां से जितना आपका आर्म होल का राउंड है उसको इस तरीके से क्रॉस में नापना है हमें। तो हमारा आर्म होल का राउंड है 17 इंच, यहां पर मार्क करेंगे और ये हमारा 2 इंच का मार्जिन हो जाएगा जितना हमने कुर्ती में छोड़ा था। और इस लाइन को इस तरीके से हम क्रॉस में मिला देंगे। इस तरीके से क्रॉस में नापेंगे, जितना भी सेंटर आता है वहां पे हम मार्क करेंगे। यहां से 1 इंच जहां सेंटर किया है हमने बाहर की तरफ जाएंगे, यहीं से हमारे बैक आर्म होल का मार्किंग हो जाएगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे इस लाइन में मिला देंगे इस तरीके से। यहां से 1/2 इंच सेंटर से आएंगे अंदर की तरफ, ये हमारे फ्रंट आर्म होल का मार्किंग होगा। यहां से बिल्कुल मिलाते हुए आएंगे और यहां पर लेके आएंगे 1/2 इंच का जो हम अंदर की तरफ लिए हैं, फिर धीरे धीरे यहां आते हुए मिला देंगे। और जितना यहां बन रहा है
9.5 उतना ही हम नीचे भी लेंगे, हमें इसमें कोई शेप नहीं देना है। और इस लाइन को पूरा नीचे तक इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारे स्लीव का कटिंग हो चुका है, देख सकते हैं कपड़ा फोर फोल्ड है, यानी दोनों बाजू हमारा एक साथ कटिंग हो रहा है। स्लीव का लेंथ हमारा 20 इंच तैयार होगा। तो हमने 20 इंच का कट किया है प्लस हाफ इंच। 4 इंच की पट्टी हम अपने बचे हुए कपड़े में से कटिंग करेंगे, और इसी में से जो हमें कॉलर बनाना है वी नेक, उसका भी हम 1.5 इंच का पट्टी हमें बुकरम का लगाना है। तो डबल में हमें इस तरीके से 2 इंच का पट्टी कटिंग करना होगा, टोटल अपने कुर्ती के लेंथ प्लस बैक नेक के हिसाब से हमें पट्टी कट करना है 3 इंच का डबल में। तो चलिए मैं इसको कट करती हूँ, सीधी सीधी पट्टी, ये बचे हुए कपड़े से जो साइड से बचा है कुर्ती के कटिंग से, उससे मैं पट्टी कट करती हूँ और इसमें बकरम पेस्ट करूंगी। बाकी काम हम सिलाई के टाइम देखेंगे कि इसका नेक कैसे कटिंग होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसके स्टिचिंग के वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम जो भी सामान यूज करते हैं, जैसे मशीन, फ्रेंच कर्व, स्केल, निडिल, प्रेशर कोट, थ्रेड, इन सभी का लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, आप वहाँ से बाय कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करें, यानी अपनी राय दें। हमारे चैनल के बाकी वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के सभी नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।